इस वक्त हमारे साथ कानपुर के एक मशहूर हस्ती जिनको गूगल गोल्डन बाबा के नाम से लोग जानते हैं, मनोजानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे प्रदेश में हो रही लगातार हो रही गतिविधियों में। हम इस समय मौजूद हैं मानव एकता एसोसिएशन के द्वारा जो सामूहिक विवाह किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं प्रदेश में हलचल है, हम उस पर भी बात करें। मनोजानंद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, कहीं ना कहीं जो आप भी संत समाज से आते हैं और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी संत समाज से हैं, उनका साफ कहना था कि अपराधियों ने या तो प्रदेश छोड़ दिया या जेल के अंदर है, मगर अभी एक जो पीते 48 घंटे के बीच में जो घटना हुई जिसमें एक प्रयागराज में शूट आउट होता है और एक बहुत बड़े अपराधी का मुकदमे में जो बयान करता था उसकी हत्या होती है, इसको लेकर आप संत समाज क्या सोचते हैं? आक्रोश तो ही साथ साथ मोदी जी योगी जी काम जो कर रहे हैं, पर अपराध की जांच नहीं होती है। जिसको अपराध करना हो कर ही रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है और अपराधी अपना काम कर रहे हैं। अब हमारे हम ये चाहते हैं और सख्ती कार्य प्रणाली में हो ताकि और अपराधियों को अंकुश लगे, भयमुक्त समाज के नारा जो योगी के नारा भयमुक्त समाज अभी तो डगमगा गया है, पर जो घटनाएं हो रही हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को तेजी से कार्रवाई करें, आगे पुनरावृत्ति ना हो इसी घटनाओं की, ये हम सरकार से चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं कानपुर को एक भयमुक्त बनाने कानपुर कमिश्नर लागू किया। अगर हम पीते 48 घंटे की अगर हम बात करें तो जो सचेंडी थाना क्षेत्र वहाँ एक पुलिस ने लूट की और अभी कल शाम की एक घटनाक्रम है जो थाने के अंदर अपराधियों ने पत्थर चलाया, तो इसको लेकर आप क्या, क्या कमिश्नर लागू न होने के बाद क्या अपराध रुका है या अपराध बढ़ रहा है? कमिश्नर लागू तो हुआ, अपराधों में लगाम नहीं लगी। अभी पुलिस वाले ने लूटा 5 लाख रुपए लूट के पर्स को बर्खास्त भी किया गया, ऐसा नहीं है। प्रशासन ने काम बर्खास्त भी किया गया, थाने पत्थर चलो मुकदमा में काम किया गया, सरकार अपना काम कर रही है, कमिश्नर काम कर रही है, पर आदमी की प्रवृत्ति है अपराधी की है तो क्या किया जाए, पर ये संभव है अंकुश लगेगा कमिश्नर का। कहीं ना कहीं हम लोगों तमाम लोगों छोड़ के संत को चुना था, संत महाराज हमारे, उन्होंने कल विधानसभा में बोला कि जो पिचच की पार्टी है समाजवादी पार्टी उसको भी आड़े हाथ लिया था, मगर क्या लगता है कि सिर्फ बयानबाजी से काम चलेगा या जमीनी स्तर पर काम करना, कार्य करना चाहिए, बात तो काम नहीं बनेगा। कार को जमीन उतारी है, आप बातें क्या हो गया भाई, बात करना सरल, काम करना कर रहे, काम करें, बातें कम काम ज़्यादा होना चाहिए, मत ये मानना है। समाज के साथ आप समाज से क्या लगता है, जिस जिम्मेदारी जिस भावना के साथ हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की बागडोर धामी, क्या उस पर सफल है या कहीं फेल है? क्योंकि अभी जो बुलडोजर नीति जो उनकी थी कानपुर देहात में घटनाक्रम हो जिसमें दो ब्राह्मण महिलाएं उस घटनाक्रम में परिवार उनका विच्छेद हुआ, कहीं ना कहीं क्या लगता है क्या बुलडोजर नीति सही है या गलत? बुलडोजर नीति अधिकारियों खुद बुलडोजर बन गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इन पर कुछ लगाना चाहिए। बुलडोजर गरीबों पर नहीं होना चाहिए, बुलडोजर आतंकवादियों पर आक्रमणकारी होते हैं, गरीब बुलडोजर क्या काम बताइए? अच्छा, ये तो बुलडोजर हम निंदा करते हैं इस बुलडोजर। आप समाज से जिन अधिकारियों के जिम्मेदारान रवैया होना चाहिए उनकी वजह से उन परिवार को आहुति देनी पड़ी, क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर इस बुलडोजर नीति का उपयोग होना चाहिए? उनको सरकार बर्खास्त करना चाहिए, अधिकारियों को चेताना चाहिए, गरीबों को बुलडोजर नहीं है, बुलडोजर आतंकवादियों को आक्रमणकारियों को बुलडोजर, गरीबों को बुलडोजर नहीं है, गरीबों को आराम दें, बुलडोजर उस पर मत चलाएं, ये कहना हमारा है। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मनोरंजन जी थे, उन्होंने बताया कहीं ना कहीं जो बुलडोजर था वो खूनी हो चुका, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो बुलडोजर है वो गरीबों के लिए नहीं है, अपराधी और आतंकवादियों के लिए है और ये उस ओर चलना चाहिए। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ हैं उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बात की। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ उमेश भार्गव, पब्लिक लाइव।